अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करने लगे हैं, दैट इज़ ऑसिलेशंस। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑसिलेटरी मोशन क्या होती है। ऑसिलेटरी मोशन इज एक्चुअली अ टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट अ मेन पोजीशन। सो द की टर्म इज टू एंड फ्रो मोशन अबाउट अ मेन पोजीशन। The simple example of a to and fro motion is that of a simple pendulum. हम क्या कहते हैं कि simple pendulum को suppose that this is a pendulum और this is a bob attached with a string and a string attached with a spout. हमने क्या किया कि bob को थोड़ा सा displace किया और फिर इसको यहाँ पर ला कर छोड़ दिया और ये bob जो है वो about this mean position, ये उसकी mean position है, about this mean position to and fro motion exhibit करता हुआ हमें दिखाई देगा। So this is a very common and the most important example of the oscillatory motion. Now come to the periodic motion. The where the term periodic comes, then this means that the motion is repeating itself over and over again. The motion of the simple pendulum, this is also the example of the periodic motion. Hamesha yaad rakhe, periodic motion mein period involve hoga and period leads to the thinking of time period. तो टाइम पीरियड वहीं पे होगा जहाँ पे मोशन खुद को बार बार रिपीट कर रहा होगा, वहीं पे हम टाइम पीरियड जो है वो कैलकुलेट कर सकेंगे। सो द पीरियडिक मोशन इज अ टाइप ऑफ द मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ, इट इज अ टाइप ऑफ द ऑसिलेटरी मोशन, इट इज एन ऑसिलेटरी मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ after equal intervals of time. This means that periodically, after equal intervals of time, motion जो है खुद को repeat करती जाती है, that type of the motion is known as the periodic motion. Now next thing, that how can we produce a periodic motion or how can we set a body into an oscillatory motion? Simply क्या करना है, that you have to apply a force on the body, you have to displace it and then you have to remove the applied force. तो body जो है वो वापस अपनी position पे आने लेके के लिए जो है वो about the main position to and fro जो है वो move करना शुरू कर देगी, एंड दैट टाइप ऑफ द मोशन, दिस मीन्स दैट कि हमने बॉडी को जो है दैट वी हैव पुट द बॉडी दैट और वी हैव सेट द बॉडी इन इनटू ऑसिलेशंस। हमने एक बॉडी को पीरियडिक मोशन में जो है वो सेटअप कर दिया है। सो दिस वाज अबाउट द ऑसिलेटरी मोशन एंड पीरियडिक मोशन एंड आई हैव टोल्ड यू दैट हाउ कैन वी पुट आर बॉडी इनटू ऑसिलेशंस। नाउ वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट ओवर हियर इज दैट जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं और फोर्स डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करती है और फिर हम अप्लाइड फोर्स को रिमूव कर देते हैं, देन व्हाट काइंड ऑफ द थिंग दैट ब्रिंग्स द बॉडी बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन। तो वो फोर्स जो बॉडी को बैक टू ओरिजिनल पोजीशन लेके आती है, दैट इज नोन एज द रिस्टोरिंग फोर्स, दिस इज रिस्टोरिंग फोर्स। बट बिफोर स्टडिंग द रिस्टोरिंग फोर्स, आई मस्ट टेल यू अबाउट लॉ, एंड दैट लॉ इज नोन एज द हुक्स लॉ। यहाँ पर हम हुक्स लॉ को पहले स्टडी करते हैं और फिर हम देखेंगे कि कैसे हम स्टोरिंग फोर्स को बहुत इजीली एक्सप्लेन कर पाएंगे। हुक्स लॉ स्टेट्स दैट इफ वी फोर्स अप्लाइड ऑन आ बॉडी विद इन द इलास्टिक लिमिट, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड। अगर हम इसी स्टेटमेंट को अगर हम देखें, तो फोर्स अप्लाइड ऑन आ बॉडी विद इन इट्स इलास्टिक लिमिट, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि जितनी फोर्स लगाई जाएगी उतना ही डिस्प्लेसमेंट कवर होगा। अब अगर हम यहाँ पे इस प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वलिटी में कन्वर्ट करें, देन एफ विल बी इक्वल टू, और इक्वलिटी में कन्वर्ट करने के लिए हमें प्रोपोर्शनैलिटी को जब हम इक्वलिटी में कन्वर्ट करते हैं तो हम दो चीज़ें इंट्रोड्यूस करते हैं, एक तो इक्वल साइन इंट्रोड्यूस करते हैं और साथ में यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे हम कांस्टेंट के इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एंड दिस कांस्टेंट के इज़ नोन एज द स्प्रिंग कांस्टेंट, और एक्स वैसे का वैसे ही, दिस इज नोन एज स्प्रिंग कांस्टेंट। Now this whole law, this equation number 1, this is known as the Hooke's law. अब यहाँ पे एक बहुत important बात जो Hooke's law के बारे में है कि Hooke's law की एक ही condition है, that we must remain within the elastic limit. We must remain within elastic limit. हमें elastic limit को cross नहीं करना, otherwise ये law apply नहीं हो सकेगा। Now you are very much familiar of the Newton's third law of motion, that whenever there is an action force, there is always a reaction force also there.
तो अगर आपके पास ये जो हमने फोर्स अप्लाई की है, दिस इज अकॉर्डिंग टू द हुक्स लॉ, तो जो इसकी रिएक्शनल फोर्स होगी दैट विल ब्रिंग बैक द बॉडी टूवर्ड इट्स मीन पोजिशन, एंड दैट रिएक्शनल फोर्स इज नोन एज द रिस्टोरिंग फोर्स. तो रिस्टोरिंग फोर्स को अगर हम इसकी इक्वेशन को देखना चाहें तो रिस्टोरिंग फोर्स की इक्वेशन भी सेम ही होती है विद अ स्मॉल डिफरेंस दैट इट इज़ अ रिएक्शनल फोर्स. सो देर विल बी अ नेगेटिव साइन ओवर हेयर. सो एफ इज इक्वल टू माइनस kx. This force is known as the restoring force, and this force is responsible to bring the body back to the mean position. अब body जो है वो back to mean position आती है और फिर about the mean position move करना शुरू कर देती है. So यहाँ से हम एक और type of force भी एक और type of oscillation भी discuss कर सकते हैं, and that type of the oscillation is known as simple harmonic motion. This is a special type of the oscillations or the periodic oscillation, and simple harmonic motion को हम short में SHM भी कहते हैं. Simple harmonic motion states and that this is that type of the oscillation in which the direction of the acceleration is always directed towards the mean position. इसके साथ कुछ इसकी conditions हैं that the acceleration A must be always towards the mean position, and the second thing is that as we know that F is equal to ma, and if we are taking a single body to m that can be taken as a constant. कॉन्स्टेंट रेगुलरिटी को खत्म करें तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए. दिस मीन्स दैट कि जितना ए एक्सेलरेशन होगा उतनी ही फोर्स अप्लाई की जाएगी, और हमारी यही क्वेश्चन कहती है कि जितनी फोर्स अप्लाई की जाएगी उतना ही डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होना चाहिए. फोर्स ज़्यादा है तो डिस्प्लेसमेंट भी ज़्यादा कवर होना चाहिए, फोर्स कम है तो डिस्प्लेसमेंट भी कम ही कवर होना चाहिए. तो यहाँ से इसी तरीके से सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो सेकेंड कंडीशन बनती है दैट सेज दैट ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बाय रिप्लेसिंग हेयर एफ बाय ए. अगर हम यहाँ पे एफ को ए से रिप्लेस कर दें तो आपके पास ये कंडीशन बन जाएगी. एंड वाई वी आर रिप्लेसिंग एफ विद ए, बिकॉज अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ मोशन एफ इज इक्वल टू एम ए, तो एफ और ए में भी डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी है. तो यहाँ से हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा रिप्लेस कर सकते हैं. सो वी आर हैविंग टू कंडीशंस ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन. फर्स्ट कंडीशन सेज दैट द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी एग्जिबिटिंग द सिंपल हार्मोनिक मोशन दैट मस्ट बी ऑलवेज टुवर्ड्स द मीन पोजिशन, एंड द सेकेंड कंडीशन इज दैट द एक्सेलरेशन मस्ट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट. जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर होगा उतनी ही ज़्यादा एक्सेलरेशन होगी, जितना कम डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन भी उतनी ही कम. तो अगर हम यहाँ से इसको देखें सो दिस सिंपल हार्मोनिक मोशन दिस आल्सो नीड्स सम दीज आर सम बेसिक कंडीशंस फॉर द सिंपल हार्मोनिक मोशन दैट इफ अ बॉडी इज सेटिस्फाइंग दीज कंडीशंस और इज फुलफिलिंग दीज कंडीशन देन दैट बॉडी इज एग्जिबिटिंग दी सिंपल हार्मोनिक मोशन. लेकिन इसके साथ साथ कुछ और कंडीशंस भी हैं. अब कैसा सिस्टम होगा जो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा होगा, उस सिस्टम के लिए कुछ कंडीशंस हैं. दीज आर द कंडीशंस फॉर सिस्टम. फर्स्ट कंडीशन दैट इट मस्ट हैव एन इनिशिया. सिस्टम मस्ट हैव एन inertia. And second condition for the system is that the system must be frictionless, because take the situation where we are dealing with the ideal things. तो यहाँ पर ideal thing जो है वो ये होगी कि आपका system जो है वो एक frictionless system है, because जहाँ पर भी friction आ जाएगी वहाँ पर हमारी conditions या equations जो हैं वो as it is apply नहीं हो रही होती. इस वजह से हम कंसीडर करते हैं कि हमारा सिस्टम जो है वो एक फ्रिक्शनलेस सिस्टम है. और थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन फॉर द सिस्टम इज दैट द सिस्टम मस्ट हैव अ रिस्टोरिंग फोर्स. इट मस्ट हैव अ रिस्टोरिंग फोर्स. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दैट and we are having three conditions of the system. The system must have an inertia, system must be frictionless, and system must have a restoring force. Now come to the second question of your chapter, that now we are going to discuss the motion of the mass attached with a spring. We have to show that the motion of the mass attached with the spring is simple harmonic motion.
Now, this is simple harmonic motion of a mass attached with a spring. And we consider a system in which a horizontal mass spring system. ये horizontally जो है वो एक mass attached है spring के साथ. And initially it is at rest. तो आपके पास mass की ये एक mean position है. हम क्या करते हैं कि हम इस mass को थोड़ा सा इसके ऊपर force apply करते हैं rightward. तो थोड़ा सा stretch करते हैं. जब स्ट्रेच करेंगे तो कंडीशन कुछ इस तरीके से हो जाएगी कि आपका जो मैस स्प्रिंग सिस्टम है आपके पास ये कुछ स्ट्रेच होके आपके पास इस पोजीशन में पहुंच जाएगा. नाउ यू कैन सी दैट हेयर वी हैव कवर्ड आर डिस्प्लेसमेंट एक्स फ्रॉम द मेन पोजीशन. और यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया है, एक्स डिस्टेंस कवर कर लिया, जबकि आपने फोर्स कितनी अप्लाई की थी, आपने एफ फोर्स इसके ऊपर अप्लाई की थी राइटवर्ड. चलें जी, जैसे ही हम इस एफ फोर्स को जो हमने ये अप्लाइड फोर्स है हम रिमूव करेंगे, देन अकॉर्डिंग टू द रिस्टोरिंग फोर्स, अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ द हुक्स लॉ एंड देन अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ द रिस्टोरिंग फोर्स, हमारे जो मैस है अकॉर्डिंग टू डिपेंडिंग ड्यू टू द इनर्शिया एंड ड्यू टू द इलास्टिसिटी इन द स्प्रिंग, ये वापस जाएगा और ये मेन पोजीशन से पास होता हुआ कुछ जितना डिस्टेंस इसने इस साइड पर कवर किया है उतना ही डिस्टेंस ये इस साइड पर कवर करेगा. और जब ये स्प्रिंग अपनी इलास्टिसिटी के अंदर कुछ कंप्रेस होगा तो आपके पास ये सिचुएशन आ जाएगी और यहाँ से लेकर यहाँ मेन पोजीशन तक का रिगेन डिस्टेंस एक्स ही कवर होगा. और नाउ यू कैन सी दैट दिस मोशन इन विच द बॉडी इज रिटर्निंग बैक टू इनिशियल पोजीशन दैट फोर्स इज नोन एज द रिस्टोरिंग फोर्स. और ये बॉडी अंडर द इफेक्ट ऑफ द रिस्टोरिंग फोर्स अबाउट द मेन पोजीशन टू एंड फ्रॉम मोशन, मतलब कि नेक्स्ट स्टेप में वापस ये जो है ये आगे की तरफ, फिर नेक्स्ट स्टेप में पीछे की तरफ, तो ये इस तरीके से अबाउट द मेन पोजिशन आगे पीछे मूव करना शुरू कर देगी. नाउ द टास्क इज दैट वी हैव टू शो दैट दिस मैस स्प्रिंग सिस्टम इज नाउ एग्जिबिटिंग द सिंपल हार्मोनिक मोशन. हाउ कैन वी शो दिस? नाउ रिमेंबर द टू थिंग्स अबाउट द सिंपल हार्मोनिक मोशन. फर्स्ट वन इज दैट ए इज मस्ट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट. अगर हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है एंड अलॉन्ग विद इट एक और कंडीशन भी सेटिस्फाई हो कि ए इज डायरेक्टेड टूवर्ड मेन पोजिशन, अगर ये दोनों कंडीशंस एक साथ सेटिस्फाई होती हैं किसी भी बॉडी के लिए तो हम ये कह सकते हैं कि वो बॉडी जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रही है. अब हम देखते हैं कि हम इसको कैसे लेकर चलते हैं. नाउ वी आर हैविंग टू इक्वेशंस ऑफ द फोर्स ओवर हेयर. एक तो आपके पास सिंपल फ्रॉम द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन फोर्स है एफ इज इक्वल टू एम ए, और एक आपके पास ये फोर्स की इक्वेशन है एफ इज इक्वल टू के एक्स अकॉर्डिंग टू द हुक्स लॉ एंड एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स अकॉर्डिंग टू द रिस्टोरिंग फोर्स. क्योंकि वो फोर्स जो बॉडी को बैक टू इनिशियल पोजिशन लेके आती है और सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करने पर मजबूर करती है दैट इज एक्चुअली द रिस्टोरिंग फोर्स. और रिस्टोरिंग फोर्स की इक्वेशन जिसके अभी हमने पढ़ा दैट इज द सेम एज दैट ऑफ द हुक्स लॉ विद अ स्मॉल डिफरेंस दैट हियर वी आर हैविंग अ नेगेटिव साइन विच शोज दैट इट इज अ रिएक्शनल फोर्स ऑफ द हुक्स फोर्स. तो यहाँ से हम देखते हैं कि आपके पास हम दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर सकते हैं. दिस इज इक्वेशन नंबर वन एंड दिस इज इक्वेशन नंबर टू. हम कह सकते हैं दैट बाय कंपेयरिंग इक्वेशन वन एंड टू तो यहाँ आपके पास जो बन जाएगी इक्वेशन बन जाएगी दैट विल बी एम ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ए दैट विल बी एम को वहाँ पे ले जाएं तो माइनस के ओवर एम इंटू एक्स. नाउ यू कैन सी दैट ए इज इक्वल टू माइनस विद के इज अ स्प्रिंग कॉन्स्टेंट एंड मैस इज अ मैस ऑफ द बॉडी. और आप देख सकते हैं कि इस पूरी सिचुएशन में हमने कहीं पर भी मैस ऑफ बॉडी को चेंज नहीं किया, वी हैव कैप्ट इट अ कॉन्स्टेंट. तो यहाँ पर के ओवर एम दैट विल बिकम अ कॉन्स्टेंट. तो ये सारा का सारा पार्ट जो है ये आपके पास एज अ कॉन्स्टेंट लिया जाएगा इंटू एक्स. तो हमें पता है जब हम कॉन्स्टेंट को इक्वलिटी के साइन को रिमूव करते हैं देन वी आर हैविंग द साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, सो इट विल बिकम ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स. एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट थिंग इज दैट वी हैव फुलफिल्ड द कंडीशन ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो कि क्या थी दैट ए इज मस्ट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स. और यहाँ हमारे पास ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स आ चुका है. एंड द सेकेंड थिंग वॉज दैट ए इज डायरेक्टली टूवर्ड्स द मेन पोजिशन. Over here, this minus sign is actually showing that the acceleration is directed towards the mean position. So this is our final equation, and we have proved it is proved that this system is exhibiting simple harmonic motion.
So this was all about today's lecture, inshallah ta'ala. With the next lecture, I will come tomorrow.